हक दिया था, जो मजदूर को हमारा बहुत गलत हुआ है उनको दिया जाए कोई बात नहीं है सर, ठीक है। पुलिस अधिकारी के लोग हैं वो आपके रास्ते में जाने के लिए देख रहे हैं, करवा रहे हैं वहाँ चलिए देखने साथी आप लोग वहाँ कोई परिवार है परिवार से बात कर सकते हैं। मीडिया से बात बाद में करा, पहले उनसे बात नहीं करा। आवाज उठाओ जो कुछ उसका लिखा पड़ेगा परिवार बाहर बुला भाई तक कोई बात नहीं बात बात अब मैं बैठ हो मैं लाता हूँ आप लोग थोड़ा हम अन्न मर गए नहीं तो आपका नाम क्या है? ममता कुमारी। कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं? नहीं करते हैं, पाती करते काम नहीं करती हैं। अच्छा, बात क्या हुई है? बात हुआ कि अब उन्हें जल गया तो सरकारी हॉस्पिटल ने दिखाया, प्राइवेट ने हमको नहीं दिखाया, डेट कर गया। कह रहे हैं कि हमको मट्टी ला के दिखा दीजिए, मट्टी भी नहीं दिखा रहा है। हमको कह रहे हैं कि हमको 50 लाख रुपया हमको बेटा के पढ़ाई बेटी के दे दीजिए और पेंशन अलाव हमको काट दीजिए, हमको कुछ नहीं चाह रहा। बात हुआ? हाँ। क्या बोल रहे हैं? मुँह से बोले वही 50,000 रुपया दो को बेटा बेटी का पढ़ा, 50 लाख मान गए वो? मान गए 50 लाख? वो सिर्फ बोले हैं, वो सिर्फ बोले हैं। हमको स्टैम्प पेपर पर लिखी चाहिए और सरकारी मोहर चाहिए, सरकारी मोहर चाहिए। हाँ सर, डाई हाउस में काम कर रहा था, गर्म पानी से जले हैं, उसमें केमिकल डाला हुआ था। कितनी देर से काम कर रहे थे यहाँ पे? वो 10 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, वो 10 साल से। नाम क्या था? नाम ओम प्रकाश था, ओम प्रकाश कुमार। हम लोग पटना जिला के रहने वाले हैं। कब हुआ आपका ये? ये कब हुआ? 2 तारीख को हुआ है, वीरवार को। आज एक सप्ताह हो गया, कल 7 दिन में डेट हो गया उनका। कहाँ डेट का हूँ, कहाँ इलाज चल रहा था उनका? दे हम लोग बोले सर किले चलिए चौहान के पठानकोट, एक मीडिया वाले बोले कि ए बोले कंपनी वाले चौहान में डॉक्टर नहीं तो ले गए जम्मू में, जम्मू ले गए तो जम्मू पूरा दम पूरा मेरा अथी आदमी दम पूरा बेकार हो गए, तो जाके ले गए अमृतसर, अमृतसर जाते जाते खत्म हो गए, खत्म हो गए। दुहारियों पर जाते जाते प्राण निकल गए। आपको कब पता चला कि डेथ हो गई उनकी? गेट हॉस्पिटल में गेट पर हम धाइले हली तो देखली तो प्राण टूट गए दुहारियों पर थे ना, ताइयो जाके इसमें मशीन लगा दिलक जिंदा वाला, हम कहली कि हमें निकाल दे हम मारल है। अभी आपको उनकी डेड बॉडी दे दी जाए? नहीं दी है, नहीं कुछ ना, अभी आज तक अभी नहीं आया है, अभी उधर बिल मारा है हमको मरीज के। क्या बोल क्या रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे, क्या बोलते हैं? हम नहीं मारते दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमको माटी के लाके दे दीजिए 50 लाख रुपया, हमको 2 बेटा बेटी है उसको पढ़ाई के पैसा दे दीजिए, पेंशन लागू कर दीजिए। इंद्रदेव प्रसाद बताएंगे क्या हुआ था आपके? इनको ऐसे गर्म पानी कोई मशीन से छिटा गया है लीक करके, वो जल गए। हम लोग का खबर है आया तो यहाँ कुछ बोलता है इधर कौन कर ना ना, वहाँ हम लोग हॉस्पिटल में गए तो वहाँ ठीक नहीं थे, तो परसों आए कल लेके गए उधर तो लोग डेट कर गए, और डेट कर गए तो इसको जीवन की परवस्ती चाहिए। मेरा नाम सुबोध कुमार है सर। उनका मैं तो नाम नहीं, ओम प्रकाश कुमार नाम है सर, डाई हाउस में काम करते हैं, मशीन लीक हो जाने के कारण उनको गर्म पानी होने के कारण मौत हो गई। उनको हम लोग का यह निवेदन है कि जो मजदूर का हक है उनको दिया जाए, जो इनको फैमिली मेरे बहन है उनको बहन के हक मिलना चाहिए सर, हम लोग कोई बात कहना नहीं है, यही हम लोग का बात है सर।
अब ये डेड बॉडी नहीं दे रहे क्या कह रहे हैं? और डेड बॉडी सर जी 16 घंटा हो गया है, अभी तक डेड बॉडी नहीं आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर जी ज्यादा भीड़ हो जाने के कारण डेड बॉडी 8 घंटे कारण आता है सर जी। अभी तक डेड बॉडी क्यों नहीं आ रहा कंपनी में बताइए? ये कंपनी माना मानी कर रही है सर जी, कंपनी गलत नहीं है सर, ये कंपनी स्टाफ लोग गलत है, आप में बात नहीं है, कंपनी स्टाफ लोग ज्यादा गलत कर रहे हैं। आप लोग से ये अप्रेल है कि वीडियो ज्यादा ज्यादा यहाँ नरेंद्र मोदी साहब के पूछा है, गवर्नमेंट सरकार हमारी आवाज को सुने के कहा हो रहा है दुर्गति, उनके सरकार में मजदूर कोई रहने के चयन नहीं हो रहा है। क्या बोला जा रहा है? डेड बॉडी नहीं देने कारण है कि इनको डेड बॉडी नहीं देंगे तो कोई मुआवजा इनको नहीं मिलेगी। तो अभी आप क्या डिमांड करते हैं? हमको ये डिमांड है कि जो बहन के जो हक है उनको मिले, डेड बॉडी मिले, उनको संस्कार किया जाए। हम लोग हिंदू धर्म में हमको ये समाज है, यही हमको मान जी। ये चेनाब टेक्सटाइल मिल है सर, CTM है इनको नामते हैं। यहाँ मजदूर को दबाया जा रहा है, नीचे गिराया जा रहा है, और मजदूर को कोई वैल्यूएशन यहाँ पर नहीं दे रहा है, और मनमानी किया जा रहा है यहाँ पे सारा सारी। यहाँ गलत प्रशासन की यहाँ पे है, और स्टाफ लोग हैं, हम लोग मजदूर न रहने के कारण एकता में हम लोग को फायदा उठा रहे हैं। हम लोग 300 रुपया दिहाड़ी कर रहे हैं, इन लोग 2 लाख रुपया कमा रहे हैं। हम लोग को गरीबी का कोई समस्या नहीं समझ रहे हैं, हम लोग कितना परेशानी से यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। अब पुलिस के कारण से यहाँ पे हो रहा है सर, कानून गलत यहाँ पे करा जा रहा है। यहाँ पे जो IPS जो कठुआ के हैं वो गलत कर रहे हैं, डिचार्ज डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर हैं वो गलत कर रहे हैं। यहाँ पर उनको होना चाहिए कि मजदूर क्या होता है, आप मजदूरी करिएगा ना तो अभी पता नहीं है। हम बिहार से हैं, डरते नहीं है किसी से बात करने में, बाकी उनको सिखा दिया जा कि एक वन के है, डरते नहीं है। उनको नहीं हक मिलेगा ना तो हम लोग अपना ईमान भी बर्बाद कर सकते हैं, ईमान बर्बाद करेंगे, बाकी पूरा इनको देने पड़ेगा। हम लोग डर नहीं रहे, कोई सजा से डर रहे, न किसी मौत से डर रहे। इन बहन को मुआवजा मिलना चाहिए हमारा।